हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड हैं करंट अफेयर्स ऑफ 24 सितंबर तक। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहें क्योंकि करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री इज लीडिंग इन रिकवरी ऑफ कोविड-19 केसेस। आपको बताना है वर्ल्ड में कौन सा वो मुल्क है जो सबसे आगे जा रहा है कोविड-19 के मरीज ठीक होने में। ऑप्शन है आपके पास यूएसए, चाइना, ब्राजील या फिर इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीटिंग्स हैव टेकिंग प्लेस बिटवीन इंडिया चाइना कॉर्पस कमांडर लेवल टॉक्स। आपको बताना है इंडिया चाइना जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अभी तक कितने मीटिंग्स हुई हैं कॉर्पस कमांडर लेवल के। ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 6 या फिर 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार डी, 5 मीटिंग्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम्स हैज रिसेंटली सीन द इंक्रीज इन इट्स केस। आपको बताना कौन सा ऐसा जुर्म है जो देखा गया है कि वो दिन ब दिन ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, थेफ्ट या फिर बैंक फ्रॉड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, साइबर क्राइम। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट रिज्यूम्ड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड मैरिज सर्टिफिकेट्स। आपको बताना है किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है होम डिलीवरी ड्राइविंग लाइसेंस की और मैरिज सर्टिफिकेट्स की। ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर झारखंड। तो सही आंसर है पार्ट ए, दिल्ली गवर्नमेंट। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिक्रूटेड फीमेल ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हेलीकॉप्टर स्ट्रीम। आपको बताना है इनमें से किसने पहली बार औरत ऑफिसर को चुना है हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के लिए। ऑप्शन है आपके पास इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार सी, दैट इज इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल पास्ड इन लोकसभा इज फॉर विच स्टेट। आपको बताना है लोकसभा में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल पास हुई वो किस रियासत के लिए है। ऑप्शन है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, केरला, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेक्स अ मैक्सिमम फ्रॉड केसेस अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट गिवन बाय PSBs टू RBI। आपको बताना है कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें ज़्यादा फ्रॉड्स देखने को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक जो PSBs ने RBI को दी। तो ऑप्शन से आपके पास PNB, एक्सिस बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है मैक्सिमम फ्रॉड्स नज़र आई SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन फॉर द हाईवे प्रोजेक्ट इन बिहार। आपको बताना है बिहार में हाईवे प्रोजेक्ट की फाउंडेशन किसने डाली। ऑप्शन है आपके पास नीतीश गडकरी, अमित शाह, नीतीश कुमार या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, विच मोबाइल एप्लीकेशन विल रिड्यूस हार्डशिप्स ऑफ फार्मर्स एज अनाउंसड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपको बताना इनमें से कौन सी वो मोबाइल एप्लीकेशन है जो फार्मर्स यानी जो किसान है उनकी हार्डशिप्स मुश्किलात में कमी करने में हेल्प करेगी। ऑप्शन है आपके पास ई-पीक पानी, ई फॉर्म, फॉर्म ऑन या गो फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ई, ई-पीक पानी। टू मॉडर्न ट्रेन्स हेडेड ओवर टू नेपाल बाई इंडिया वुड रन बिटवीन कुर्था इन नेपाल टू विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया और नेपाल में मॉडर्न ट्रेन जो है वो चलेगी नेपाल में, ये चलेगी कुर्था तक और आपको बताना है इंडिया में ये किस जगह तक चलेगी। ऑप्शन है आपके पास नवाडा, पूर्णिया, जयनगर या फिर कटिहार। इसका जो सही आंसर है वो है पारसी, जयनगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू हैव रिसीव्ड आईजी नोबल अवार्ड। आपको बताना है नरेंद्र मोदी से पहले किस इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आईजी नोबल अवार्ड हासिल किया है। ऑप्शन है आपके पास पीवी नरसिम्हा राव, इंदर कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर मनमोहन सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएम मोदी लॉन्चेस घर तक फाइबर स्कीम टू कनेक्ट 45,945 विलेज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको बताना है पीएम मोदी ने घर तक फाइबर ये स्कीम किस स्टेट में लॉन्च की गई। ऑप्शन है आपके पास बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, बिहार। बाकी डिटेल नीचे दी गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड कार फ्री डे इज ऑब्जर्व ऑन। आपको बताना है वर्ल्ड कार फ्री डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास September 22nd, September 23rd, September 24th या फिर September 25th। वर्ल्ड कार इज ऑब्जर्व ऑन 22nd of September। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, लेजेंडरी माउंटेनियर एंग्रीटा शेरपा पासिस अवे, शी वॉज फ्रॉम विच कंट्री। आपको बताना है एंग्रीटा शेरपा जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया वो किस मुल्क से ताल्लुक रखती थी। ऑप्शन से आपके पास बांग्लादेश, जापान, नेपाल या फिर चाइना। इसका जो सही आंसर है वो है पारसी, नेपाल। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री एम्स टू गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2060। आपको बताना कौन सा वो मुल्क है जिसने कहा है कि वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब वो इन्वायरमेंट में अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिट नहीं करेगा। ऑप्शन है आपके पास इंडिया, चाइना, यूएसए या फिर रशिया। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITBB टाइज अप विद उत्तराखंड गवर्नमेंट टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म एक्ट। आपको बताना है ITBP ने टाइप किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कहां पर। ऑप्शन है आपके पास तहरी लेक, रावि लेक, इंडस लेक या फिर सतलुज लेक। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, तहरी लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अनवील इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक चेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन द कंट्री। तो कौन से ऐसी स्टेट बन गई है। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अनवील इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक चेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन कंट्री। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।